अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स एकेडमी। तो आज की वीडियो कह देगी आपको हैरान, क्योंकि आज मैं अपने टीचर और टेक्निकल एसईओ के बादशाह चेस रेनर की वेबसाइट का करूंगा सिक्योरिटी ऑडिट। और इसमें कुछ वायरस आ गए हैं रिसेंटली, जो फाइल मैनेजर का प्लगइन हैक हुआ था उसकी वजह से, ये शायद उससे पहले का। तो आप देख सकते हैं मैं चेस रेनर डॉट कॉम के ऊपर लॉग इन हूँ, और अब मैं करूँगा इसके अंदर सिक्योरिटी स्कैन का प्लगइन, ताकि इसे स्कैन किया जा सके। यहाँ पे लिखा मालवेयर, और यहाँ से ये प्लगइन है जो स्कैन करता है। तो यहाँ से अगर हम इसे ओपन करें, अब यहाँ से गेट फ्री की, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, वैसे ये भी खुशकिस्मती की बात है। अच्छा, अब इसको करेंगे स्कैन, और वहाँ से हमें कुछ अंदाज़ा होगा वायरस का। इसके ऊपर लग जाएगा लगभग घंटा मेरे ख्याल से। इसके अलावा अगर मैं आपको फाइल मैनेजर में जाएं, ये कैप्चा वाला वायरस है जो रिसेंटली स्किल्स एकेडमी को भी लग गया था, इन्फेक्ट हो गई थी स्किल्स एकेडमी भी। अगर आप यहाँ से खोलें इसे, अपलोड में जाएं और यहाँ पे index.php ओपन करें, तो ये देख सकते हैं हमारा प्यारा वायरस भाई यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। तो इसे हम कर देंगे रिमूव, सेव एंड क्लोज। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं भैया इधर किधर। तो मेरा वैसे पर्सनली दिल तो ये है कि एक दफ़ा स्कैन हो जाए तो फिर मैं इसे शुरू करूं मैनुअल चेकिंग। मैनुअल चेकिंग का जो फ़ायदा है वो ये कि कंफर्म हो जाता है, मतलब सारी फाइल्स हम डिलीट करके न्यू कर देते हैं, और इस वजह से सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। स्कैनर से दो तीन वायरस निकले थे, वो तो हो चुके हैं रिमूव। अब हम मदर वायरस को ढूंढ रहे हैं। तो ये जो दूसरी फाइल आपको पता होगा, जैसे मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, wp config रहने देंगे और बाकियों को डिलीट। इसके बाद यहाँ पे करेंगे एक्सट्रैक्ट, उसके बाद इसे रिमूव। उसके बाद wp डैश कंटेंट, ये दूसरी सब डायरेक्टरीज हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ। यहां से बनाएंगे इनका जिप, इसे करेंगे डाउनलोड। यहां पे डोमेन वायरस टोटल, यहां पे इसे करेंगे ड्रैग,
तो ये गूगल का टूल है जो ज़्यादातर ढूंढ लेता है वायरस वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद ओल्ड, इनको देखते हैं इनके अंदर क्या है। अच्छा ये हो गया, अब उसके बाद WP कंटेंट। ये पता नहीं H1 क्यों रखी हुई है। इनका बनाएंगे जिप, उसके बाद अपलोड्स। तो अपलोड में हमने .php फाइल फाइंड करनी होती हैं क्योंकि इनमें ज़्यादातर वायरस के चांसेस होते हैं। और ये काफ़ी हद तक क्लीन ही लग रहे हैं। उसके बाद इनका बैकअप बना लिया है तो इन्हें कर देते हैं रिमूव। तो ये हुए हुए हैं लॉग, ठीक, मतलब इन्हें वायरस भी इन्फेक्ट नहीं कर सकता। उसके अलावा अब चलते हैं ETH, MU plugins,
बाद प्लगइन्स, तो प्लगइन्स को मैंने चेक कर लिया था पहले। उसके बाद थीम्स, डाउनलोड, अब चलते हैं वायरस टोटल पे। तो पर्सनली तौर पे तो मैं इन सबको दोबारा इंस्टॉल करता हूँ, लेकिन ये काफ़ी प्रीमियम है, इस वजह से नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अपलोड्स, यहाँ पे .php, हो गया रिमूव, मतलब आर आई डी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे भी देखते हैं .php, ये भी क्लीन है। उसके बाद अब काफी हद तक हर चीज हमने चेक कर ली है। तो लगभग 3 वायरस थे इसमें, वो हमने रिमूव कर दिए हैं। उसके अलावा कुछ मसले मसाइल थे, वो भी फिक्स किए हैं। अब फाइल मैनेजर को कर देते हैं डिजिबल, ताकि दोबारा ना कहीं फ्यूचर में मसला अपना है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह हाफिज़।